अगर आप हिंदू हैं और आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको शांति कुंज हरिद्वार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू आस्था का एक केंद्र है। 1971 में श्री राम शर्माचार्य ने इसकी स्थापना करी थी और आज भी यहाँ पे हिंदू संस्कारों को या वो अपनी तरफ से बिल्कुल मुफ्त में करते हैं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप उसमें कुछ अनुदान दे सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, मगर उनकी साइड से कोई फिक्स रेट नहीं है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। तो हिंदू समाज के लिए इन्होंने क्या करा कि एक बहुत बड़ा सा एरिया ले रखा है, बना रखा है, जहाँ पे इनके 5 गेट हैं, जिनमें से एक गेट गेट नंबर 5 से आप जो कार वगैरह है उसके साथ आपकी एंट्री हो सकती है, बाकी गेट पे आप पैदल जा सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे पास बनाना होता, आपको आधार कार्ड के साथ ये बताना होता कि आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, फ़ोन नंबर, बाकी जानकारियाँ होती है, और कम से कम एक बंदे के पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसे वो वैलिडेट करते हैं। इसके बाद आपकी वहाँ पे एंट्री होती है, रहने से लेके आप जाएंगे और वहां से वापस आने तक सारी चीजें फ्री है, कुछ चीजों के नाम मात्र के चार्ज भी है। जैसे जब आप वहां पर रहेंगे, रहना फ्री है, लेकिन जो कंबल वगैरह है, कंबल गद्दे, इनके 5 रुपये 2 रुपये के हिसाब से इनके रेट है। बड़े बड़े हॉल हैं जिसमें एक साथ 300 400 लोग रह सकते हैं, ऐसे 3 4 हॉल हैं कम से कम, मतलब एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, लेकिन कम से कम 4 5 ऐसे हॉल हैं। रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है, हर एक प्रखंड के हिसाब से, हर एक जगह के हिसाब से इन्होंने चीज़ें बना रखी है। कुछ इंग्लिश डिपार्टमेंट है, कहीं पे आयुर्वेदशाला है, कहीं पे भोजनालय है। सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा को केंद्र बना के एक रेडियस के अंदर सारी चीज़ें बना रखी है। जीवन जहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े सारी चीज़ों को संपादित किए जाते हैं। हवन की एक जगह है, क्रियाकर्म की एक जगह है, जीवन के पहले जीवन के साथ के जो कार्यक्रम है, जैसे नामकरण है, चूड़ामणि संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, उसके लिए एक वशिष्ठ आश्रम है। जो जीवन के बाद के संस्कार है उन विश्वकर्मा आश्रम है। तो सारे आश्रम आपको एक ही कैंपस के अंदर मिल जाने हैं, इनमें कोई खर्चे नहीं लगते। आप वहाँ पर रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, जो भी आपका काम है, जनेऊ का कार्य हो या तर्पण का कार्यक्रम हो या यज्ञ करना हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री है। अगर कोई चीज़ आप मुफ्त में एंजॉय कर रहे हैं तो वो चीज़ें एक्चुअली मुफ्त में तो नहीं होती ना कोई तो उसके पैसे पे कर रहा है। तो इसमें आपको इस वाली बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप अपना कुछ कार्य खत्म हो जाए आपका, तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान दे सकते हैं। आप श्रद्धा के हिसाब से दान दे और फिर आगे बढ़े, ऐसा करना है। यहाँ पे 2 तरह के भोजनालय हैं, एक में आप 60 रुपये के हिसाब से, थाली के हिसाब से आप खरीद के खा सकते हैं। दूसरा भोजनालय बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ पे कोई भी बंदा बिना पैसा दिए खा सकता है। और वैसे ही यहाँ पे बाकी चीज़ों के साथ भी है, आपके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा हो तो कोई आपको रोक भी नहीं रहा। तो भारत में जहाँ पे मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, हिंदुओं के लिए ऐसी कोई संस्था है ही नहीं जो इस लार्ज स्केल के ऊपर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती हो। ध्यान रखें, हिंदुस्तान में हिंदू ही मेजोरिटी में है, और उसके बाद भी ऐसी संस्थाएं हिंदुस्तान में उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं जहाँ पे हिंदुओं के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बाकी मुसलमान के लिए और क्रिश्चियंस के लिए और सिखों के लिए तो सरकार गली गली करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा करने वाले 2 4 लोग ही हैं, उनमें एक शांति कुंज हरि